आपको मार्गदर्शन करेंगे। आज शहर औरंगाबाद प्यारा सा समय, बुढ़ी लाइन, बुढ़ी लाइन एक हार्ट ऑफ द औरंगाबाद की जान है। मंच पे बैठे हुए हमारे अनुरोधित भाई अमित जी भुईकर साहब, हमारे जिला अध्यक्ष योगेश भाई और सभी मंच पे बैठे हुए हमारे जावेद भाई, जिन्होंने अभी बहुत अच्छी स्पीच दी है। मैं आप लोगों को बताता चलूं एक एक बात। आज लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं और लोकसभा में आपने देखा होगा कि जातिवाद शक्ति बैठी हुई है और उस जातिवाद शक्ति को मोदी और अमित शाह को उखाड़ने का काम आप सबको और मेरे को मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में, पूरे देश के अंदर जातिवादी शक्ति अभी इनके होते हुए, ये बोलते हैं ना कि एनआरसी नहीं है, इनके होते हुए सीएए कानून पास हुआ, 3 तलाक का कानून पास हुआ, 370 इनके पास हुआ। अब ये कहते हैं कि मुसलमानों का ठेका इन्होंने लेके रखा है, किन्होंने? ये शक्ति कपूर, शाहरुख खान नहीं है जावेद भाई, वो शक्ति कपूर है, शक्ति कपूर ने ठेका लेके रखा है। तो मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि ये बोल रहे हैं कि कौम के खिलाफ एक कौम का उम्मीदवार प्रकाश अंबेडकर साहब ने दिया। अरे प्रकाश अंबेडकर साहब ने तो वो मुझ पर भरोसा किया है कि अफसर खान लोकसभा में जाके जातिवाद शक्ति को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा और अमित शाह मोदी के मुंह में जो आवाज करता है उनकी जबान खींच के फेंकने का काम करेगा। अब प्रकाश अंबेडकर साहब की वजह से यह चुनकर आए, प्रकाश अंबेडकर साहब की वजह से यह चुनकर आए और जब उनका वक्त आया ये खासदार बन गए। उनका वक्त आया बहुत जोर से ऐसा असद अभी से ऐसा गोद में उठा के बोल रहे थे कि ये बड़े भाई है, बड़े भाई को हम महाराष्ट्र का सीएम देखना चाहते हैं, महाराष्ट्र का सीएम, और ये शक्ति कपूर भी बोल रहा था। लेकिन लेकिन उन्होंने जब उनका वक्त आया खासदार बन गए और जब महाराष्ट्र की बात आई, प्रकाश अंबेडकर साहब की बात आई तो 50 खोखे उनको सामने दिख रहे थे, 50 खोखे लिया और युति तोड़ दिया। ऐसे ये लोग है बेभरोसे। अब मैं आपको बता दूं कि मुसलमान के खिलाफ मुसलमान खड़ा है, अब ये कितने मुसलमान के खिलाफ मुसलमान खड़े करते मैं वो आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा अभी हैदराबाद के इलेक्शन हुए, हैदराबाद के अंदर मोहम्मद अजहरुद्दीन जो वर्ल्ड के अंदर फेमस इंसान है उसके सामने इन्होंने मुसलमान कैंडिडेट दिया, शब्बीर अली के सामने कैंडिडेट दिया, 4 मुसलमान कैंडिडेट अभी की बात है, 4 मुसलमान के खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट दिया और 4 मुसलमान को गिराने का काम ये असद अवैसी और ये शक्ति कपूर ने किया, ये इन्होंने किया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आरिफ नसीम साहब को 250 वोट से इन्होंने गिराया, 250 वोट से क्यों दिया भाई? जब मुसलमानों की तुम बात करते हो और कौम और मिल्लत की जब तुम बात करते हो तो तुम मुसलमान के खिलाफ क्यों जाते हो? तुमने बाबा सिद्दीकी को गिराया, तुमने फरहान आजमी को गिराया, अरे तुमने बाबा सिद्दीकी जो महाराष्ट्र का 2-3 बार मिनिस्टर रह चुके बाबा सिद्दीकी, उनको तुमने गिराने का काम किया। अब तुम्हारा गिरने का टाइम आ गया तो प्रकाश अंबेडकर साहब ने अफसर खान को खड़े किया, ऐसा तुम बोलते हो? अरे तुमको गिराने के लिए नहीं खड़ा अफसर खान, अफसर खान यह प्रकाश अंबेडकर साहब का सिपाही बोलकर लोकसभा में जाएगा और अफसर खान भारी अक्षर से चुन के आएगा, क्योंकि अफसर खान कौम और मिल्लत के लिए 25 साल से लड़ रहा है, कौम और मिल्लत के लिए मर मिट रहा है। और आज अफसर खान गिराने के लिए खड़े रहना रहता था तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 में मैं उसको गिरा देता था, लेकिन मुझे गिराना नहीं है, मुझे चुन के आना है। प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे उनका सिपाही बना के खड़ा किया और मैं ये जीतने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि वंचित बहुजन अगाड़ी की पूरी टीम मेरे साथ है, अमित भाई मेरे साथ है, कृष्णा बनकर मेरे साथ है, ताई मेरे साथ है और प्रकाश अंबेडकर साहब मेरे साथ है। तुम क्या गिराओगे? शक्ति कपूर, ये जनता जनार्दन मेरे साथ है, कौम और मिल्लत मेरे साथ है। और ये बोलते हैं कि अफसर खान गिराने को खड़ा, अफसर खान ये हो सकता है? अफसर खान ने जो शहर औरंगाबाद में काम किया, किरारपुरा दंगल में जो काम किया, पड़ेगांव दंगल में जो काम किया, कटकट दंगल में जो काम किया, हो सकता है मेरे भाई अल्लाह ताला को ये माहौल बन के आया, अल्लाह ताला को मुझसे बहुत बड़ा काम लेना होगा। हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म अन्याय अत्याचार मुसलमानों के ऊपर हो रहा, माबलन सिंह के नाम पे मारा जा रहा, गोश के नाम पे मारा जा रहा, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा, टोपी के नाम पे मारा जा रहा, ये इनका मुंह बंद होता है। अरे ये तो छोड़ो,
नमाज मेरा भाई रोड में पड़ रहा, उसको लातों से मारा जा रहा, उसके ऊपर भी अफसर खान ने आवाज उठाई और हर मसले में अफसर खान आवाज उठाएगा। रहा सवाल, आज देखो आप कुरैशी ब्रदर हमारे जो जानवर लेके आते हैं उनको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल उनकी गाड़ियां रोकती है, उनको मारती है और उनके जानवर पूरे छीन लेती है। मैं 2.5 घंटे सिटी चौक में खड़ा था बकरीद के ईद के दिन भी। अरे लेकिन एक बार अफसर खान को चुन के देखो, किसी हिंदू परिषद में दम है ना, आरएसएस में दम है ना, मोदी में दम है ना, अमित शाह में दम है। जैसे मैं यहाँ लड़ता हूँ शिवसेना और बीजेपी से, वैसे ही वहां जाके आप लोगों के लिए लड़ूंगा। आप लोग 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख को भारी अक्षर से सब घर से निकलो, वोट करो। अब ये लोग बोलते ना अल्लाह का वास्ता देता हूँ, रसूल का वास्ता देता हूँ। अरे जब मुसीबत आती है तो कौन से बिल में घुस के बैठ जाते हैं भाई? तो बिल्कुल चूहे का जो बिल होता है उसमें तो घुस के नहीं बैठते, मैं ऐसा समझता हूँ। और ये अल्लाह रसूल का वास्ता देके, अल्लाह गवाह है मैंने 15 बाटल खून दे दिया। अरे एक बाटल अगर कोई खून दे रहा तो डॉक्टर उसको पूछता कितने दिन पहले तुमने खून दिए थे, ये 15 बाटल खून दे रहे, झूठ पे झूठ मक्कार लोग है। अब मैं वंचित बहुजन अघाड़ी के 2 लाख वोट अपने पास है, अब मुसलमानों को यह समझ आना चाहिए कि 1.5 लाख वोट वो झोली पसारते हैं, मैं भी आपके सामने झोली पसारता हूँ। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो प्रकाश अंबेडकर साहब सब जाति धर्म के लोगों के साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। जली तो आग कहते हैं, जली तो आग कहते हैं, बुझी तो राख कहते हैं, और जिस राख से बनी बारूद उसे उसे अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। ज्ञानंतर भाई 13 तारीख को सवेरे फजर की नमाज पढ़ो और बहुत ही जोरों शोरों से मेरी निशानी है गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर, पूरे जिले में गैस सिलेंडर चलना चाहिए। और मुस्लिम समाज में जो अन्याय अत्याचार हो रहा, दलित समाज में जो अन्याय अत्याचार हो रहा, उसको रोकने का काम ये तुम्हारा भाई करेगा, ये तुम्हारा बेटा करेगा, ये तुम्हारा साथी करेगा। और जो मेरी माँ बहने घरों में सुन रही है उनके लिए भी अफसर खान आवाज उठाएंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।